आपका आरएसएस के लिए क्या ओपिनियन है? देखो मेरी उम्र 26 साल है और पिछले 4 साल से जितना हम जाहिर जीवन में आए हैं तो इतना आरएसएस के कार्य पद्धति को हम समझे हैं कि आरएसएस यही चाहती है कि सरकार के खिलाफ जितने भी विपक्ष है, भाजपा के खिलाफ जितने भी विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कितने भी प्रांतीय दल हो, उन लोगों को बदनाम किया जाए, उन पर पैसों का आरोप लगा दिया जाए, उनको बदनाम करते रहो, उनके नेताओं को किसी भी हाल में इतना बदनाम कर दो कि पार्टी चाहे खड़ी रहे लेकिन उसका नेता बदनाम हो जाए। हमारे सामने कई उदाहरण है, हमारी पार्टी के उदाहरण है, क्षेत्रीय पार्टी के भी कई उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि आरएसएस का जो मकसद है वो यही है कि देश का संविधान खत्म हो जाए, हमारे आदेश अनुसार ये देश चले, हमारे आदेश अनुसार देश के नौजवान चले, हमारे आदेश अनुसार देश की महिलाएं चले, यही आरएसएस का एक ओपिनियन रहा है देश के अंदर। और एबीवीपी और एनएसयूआई में मैं फर्क जानना और बताना चाहता हूँ, हमारे लिए आरएसएस महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर गांधी, सरदार, पंडित नेहरू, इनकी आइडियोलॉजी, और इनकी आइडियोलॉजी पर अगर एनएसयूआई काम कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर नौजवान एनएसयूआई को पसंद करेगा। अभी हमने डूसू में देखा कि जिस महान हस्तियों के साथ आप वीर सावरकर की प्रतिमा लगा रहे हैं तो ये साबित कर रहे हैं कि आपके लिए इस देश के महान व्यक्तियों की कोई कदर नहीं है। जिस हम कल जेएनयू में गए थे, वहां के नौजवानों को जब हम मिले तो उसके एक एक नौजवानों के प्रति देश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची वफादारी है। और यही सरकार, यही एबीवीपी देश की जो अलग अलग पार्टी की विंग्स है, एनएसयूआई है और कई स्टूडेंट विंग है, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन आरएसएस, मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर भाजपा के राज में कि जिसने संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसकी संविधान की कॉपियां जब जंतर मंतर पे जलाई जाती है तो ये साबित कर दिया एबीवीपी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने कि इस देश के अंदर हम हमारा राज चाहते हैं। जो बोले तानाशाही, ये नहीं चाहते कि यहाँ संविधान ठीक से काम करे, वो नहीं चाहते कि हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर धर्म को सही प्रतिनिधित्व मिले, ये यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनुवादी राजनीति इस देश के अंदर बनी रहे और आरएसएस के जरिए हम देश को बर्बाद करने का काम भाजपा कर रही है। तो सर, कमेंट के माध्यम से हमारे एक दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी स्टूडेंट लाइफ के कुछ पल वो जानना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट लाइफ तो ऐसी कोई हमारी है ही नहीं कि हम ठीक से बता सके, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि जब हमने कॉलेज खत्म किया और जब कॉलेज से बाहर निकले तो ना हमारे लिए और ना ही हमारी बहन के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सही तौर पे हमारी बहन अगर फर्स्ट नंबर पे आती है तो स्वाभाविक तौर पे उसके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो पढ़ लिखकर इस देश का नाम रोशन कर सके। नहीं थी, हमारे पास रोजगार नहीं था जो सरकार को मौजूद जो रोजगार देना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से जो भी नौजवान पढ़ लिख कर निकलता है तो उसके लिए प्लेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यही गुजरात में जब हो रहा था तो हम लोगों ने तय किया कि अगर कोई और चुप रह सकता है तो उसको रहने दीजिए, हम नहीं रह सकते। तो हमने एक लड़ाई शुरू की और आपको एक बात बताए कि साढ़े तीन चार साल की इस लड़ाई में हमने कम से कम सरकार के साथ लड़के हजारों करोड़ की योजनाएं गुजरात के नौजवानों के लिए लागू करवाई है। उसमें किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो मैं तो यही कहूंगा खास तौर पे उन नौजवानों को जो सरकार से डर कर अपना अधिकार नहीं मांगते और चुपचाप बैठ जाते हैं कि आप लड़ोगे तो स्वाभाविक तौर पर आपको फायदा होगा। और अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पीछे लास्ट बेंच पर बैठने वाला तब तक होशियार नहीं है जब तक वो भाग नहीं ले रहा किसी भी चीज में। तो अगर देश का नौजवान हर एक मोमेंट में अपना हिस्सा लेगा, जेपी आंदोलन आप देख लो, आजादी का आंदोलन देख लो, तो हर एक मोमेंट में मैं मानता हूं नौजवानों को हिस्सा लेना चाहिए तो स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छा होगा। और हम गुजरात से जरूर आते हैं लेकिन हम अमित शाह और मोदी के गुजरात से नहीं, गांधी और सरदार के गुजरात से आते हैं। हार्दिक जी, हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी और अमित शाह ने गुजरात में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को लाकर शिक्षा का निजीकरण और व्यापारीकरण किया, उसी तरीके से पिछले कुछ सालों में डीयू में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी
दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में, जिसमें लाखों रुपए फीस से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, तो सर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बहुत ही अच्छी बात और शायद देश को नहीं मालूम ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बनी है पिछले 25 सालों में। और आपको ये नहीं मालूम होगा कि गुजरात में जितने भी प्राथमिक स्कूल है, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो स्कूल होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, उसको प्राइवेट के अंदर मर्ज किया जा रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि पिछले 25 सालों से नरेंद्र भाई बात कर रहे हैं कि मैंने गुजरात का विकास किया, गुजरात को मैंने बेहतरीन बनाया, तो पिछले 25 सालों में देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में गुजरात की कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये जो हम नौजवान है जो हकीकत को समझने का प्रयास नहीं करते। और गुजरात का जो मॉडल है, पूरे देश को बताया गया कि हम गुजरात के मॉडल पे काम करेंगे, लेकिन गुजरात का मॉडल क्या था? गुजरात का मॉडल स्पष्ट था कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज है उसको बंद की जाएगी और पूंजीपतियों को प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाजत दी जाएगी, ताकि जो गरीब परिवार है, जो गांव से आया हुआ जो परिवार का बेटा है, वो कहां से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस भरेगा। और गुजरात के अंदर छोटी छोटी स्कूलों के अंदर पहली कक्षा की फीस आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 80,000 रुपए है। तो यही गुजरात मॉडल वो दिल्ली में लागू कर रहे हैं, दिल्ली की कॉलेजों में लागू कर रहे हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में लागू कर रहे हैं। और जब तक ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या डूसू का वो नौजवान, डूसू का वो विद्यार्थी स्टूडेंट इस गलत नीतियों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा? हम उनको कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाइए। अगर ऐसा ही मांजरा चलता रहा ना, तो आने वाले दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय, जो आज देश के अंदर इतनी बड़ी विश्वविद्यालय के नाम पर जानी जाती है, उस विश्वविद्यालय के इतिहास को खत्म करने का काम भाजपा करेगी, भाजपा की स्टूडेंट विंग करेगी। हार्दिक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने जियो इंस्टीट्यूट, जो कि सिर्फ अब तक कागजों पर था, जिनकी किसी ना कोई बिल्डिंग थी, जिसके लिए ना कोई लैंड अलॉट किया था, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दे दिया गया था, तो एनएसयूआई ने ही लड़ाई लड़ी, एनएसयूआई ने उसका विरोध किया। अब इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग मिला है, इसमें 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए यूज किए जाएंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस तरीके, अब 1,000 करोड़ का सर वो किस तरीके से आप इस्तेमाल करना होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप कुछ बताइए। देखो, जब जियो इंस्टीट्यूट का एक प्लान बन रहा था, ना अभी उसका कोई कागज पे प्लान था, ना ही उसका कोई आयोजन था, फिर भी गवर्नमेंट ने कई उनके लिए राशि धनराशि देने का वादा कर दिया था। जो भी फंड मिलता है वो स्टूडेंट के लिए या कॉलेज के लिए, तो मेरा ये मानना है, और जितना हम गांव के एरिया में जाते हैं और देखते हैं, चाहे वो शहरी इलाके में भी हो, क्योंकि गांव में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, इसीलिए गांव का विद्यार्थी शहर में आ रहा है, तो अगर यही पैसे नौजवान की प्लेसमेंट के लिए, उसकी रोजगारी के लिए, देश के अंदर कितने स्पोर्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस स्पोर्ट्स के जरिए उस नौजवान को उसके अंदर स्किल देना, उसको मजबूत करना, उसको प्रोत्साहित करना, और सबसे बड़ी अभी जो देश की हालात है उस पर मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, चाहे मेरी इस बात के साथ कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौजवानों को सही तौर से इतिहास दिखाया जाए, उसके लिए जितना भी खर्च करना पड़े गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि पहले के जमाने में जब गांधी, सरदार, पंडित नेहरू, भगत सिंह जितने भी महान क्रांतिकारी थे, वो जब किसी को पत्र लिखते थे, वो पत्र जाहिर किया जाता था, वो इतिहास के अंदर भी उस पत्र को रखा हुआ है कि ये पत्र नेहरू ने सरदार को लिखा था, सरदार ने नेहरू को लिखा था। लेकिन पिछले 40 सालों से, जब से बीजेपी का उदय हुआ है, तब से हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारियों का इतिहास मिटाने का काम भाजपा ने किया है। तो मेरा यही मकसद होगा, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास को सही तौर पर नौजवान और स्टूडेंटों के बीच में लाया जाए। गांधी, सरदार और पंडित नेहरू इस देश की आजादी की त्रिमूर्ति थी, और आप इसी त्रिमूर्तियों के बीच में एक क्रैक करना चाहोगे तो ये देश के इतिहास के साथ बड़ा धोखा है। तो ये जो फंड्स है, मैं मानता हूं ये सारे फंड्स देश के इतिहास के लिए, देश के इतिहास को मजबूत बनाने के लिए, नहीं कि देश के इतिहास को कमजोर करने के लिए खर्च करने चाहिए।
हार्दिक जी हमारे साथ एक एक क्वेश्चन और यहाँ पर आया है कमेंट्स के माध्यम से कि देश में छात्र राजनीति को लेकर आपका क्या व्यू है। अब देश में पिछले 10 साल की हम बात करते हैं जिसमें जब देश बड़े विपरीत परिस्थिति में गुजर रहा था पूरे हिंदू पूरे विश्व के अंदर, तो मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े महान अर्थशास्त्री है, उन्होंने इस देश को बचाने का बेहतरीन काम किया था। लेकिन पिछले 7-8 सालों से जो देश की छात्र राजनीति को, गुजरात के अंदर आपको मालूम नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी चुनाव बंद करवा दिए छात्र चुनाव, और ऐसा ही चलता रहा तो पूरे हिंदुस्तान के जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसको ये लोग बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि नेता का बेटा ही नेता बने, ये चाहते हैं कि पैसे वाले का बेटा ही पैसे वाला बने, और ये चाहते हैं कि जिसके पास 50 करोड़ रुपए वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये नहीं चाहते कि कोई गांव का गरीब का बच्चा आकर देश हित की बात करे। और छात्र राजनीति बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक छात्र इस देश की महत्व चीज को समझ नहीं पाएगा तब तक वो इस चीज का या उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप देखिए कि आज के जो नेता है, ज्यादातर नेता किसी भी पार्टी को छात्र राजनीति से आए हुए नेता है। अभी छात्र राजनीति को कम करने का दबाने का प्रयास होता है। और एक बात ये भी है कि हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था जो बनी थी उसको मिटाने का काम अभी की सरकार कर रही है, इसलिए हमारे देश का नौजवान पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है और रोजगार के लिए भी बाहर जा रहा है। तो देश में ऐसी व्यवस्था हो कि पढ़ाई भी यहीं करे, रोजगार भी यहीं करे और छात्र राजनीति भी यहीं करे। बिल्कुल हार्दिक जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि जिस तरीके से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया, ऊपर सरकार के प्रेशर में प्रशासन ने मेरा नामांकन रद्द किया और फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से मेरा नामांकन वापस आया और तब मैं जीता। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि छात्र नेताओं को या जो नई लीडरशिप देश में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको दमन करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हार्दिक जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए या पूरे विश्व देश के छात्रों के लिए, आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव हम पूरे देश में हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, डूसू का इलेक्शन सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। इस चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा वो हिंदुस्तान की छात्र संघ राजनीति के अंदर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी इतिहास है उस इतिहास को अगर हम पन्नों के साथ घुमाते रहे तो ये साबित है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बेहतरीन काम करने का प्रयास NSUA ने किया है। उसका अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो बड़ी बुक बन जाएगी कि हमने क्या क्या किया। और उसके सामने दूसरा इतिहास भी है, जो इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहे उन बच्चों के साथ, उन बहनों के साथ अन्याय करने का काम ABVP ने किया है। मेरा यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान से जो भी स्टेट से यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहले सेमेस्टर या पहले ये साल में जो आया है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि हमारे लिए महत्व रखता है हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार। और मैं सारे नौजवानों को कहता हूँ कि NSUA का जो पैम्पलेट है वो एक बार जरूर पढ़े। आपको हमारा काम, NSUA का इतिहास, NSU क्या चाहती है, NSU क्या करना चाहती है, और NSU सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना या फिर चुनाव जीतने के बाद साल निकाल देना नहीं है। NSUA का मकसद है कि चुनाव जीतने के बाद इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे उन सारे नौजवानों को वो फैसिलिटी मिले जो फैसिलिटी एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज के अंदर जहां बड़े उद्योगपति का बेटा पढ़ता है वो फैसिलिटी भी यहां मिले। और जो भी स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि जमाना बदल गया है, जो भी स्टूडेंट है वो बिल्कुल अपने तौर और तरीके से अपने फैसले के साथ वोट करेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 2 दिन से लगातार चल रहा है देश के इकोनॉमी पर सवाल उठ रहे हैं। आज तो GDP पर भी बड़ा सवाल उठा है। पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं थी इतनी बेरोजगारी अभी हमारे देश में आ गई है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन हमारे वहां पिछले कई दिनों से कहावत चल रही है कि मुंह चलाना और देश चलाने में काफी फर्क होता है।
अगर आप सिर्फ मुंह ही चलाओगे तो देश नहीं चला सकते। अगर आपको देश चलाना है तो अच्छे अच्छे लोगों को साथ रखना पड़ेगा, अच्छे इकोनॉमिस्टों को साथ रखना पड़ेगा, अच्छे लोगों के हाथ में देश होना चाहिए। सिर्फ बाहुबली और गुंडागर्दी करने वाले लोगों के हाथ में ये देश नहीं होना चाहिए। अगर मेरा देश पहले से ही किसी खराब व्यक्ति के हाथ में चला गया होता तो देश के हालात क्या होते। 70 साल में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से काम किया है अच्छे हितों के लिए, तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बैठा हुआ हर एक नौजवान, हर एक स्टूडेंट स्वाभाविक तौर पे NSUI को अपना वोट भी करेगा। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे भी वोट मत दीजिएगा, एक बार पैम्पलेट जरूर पढ़िएगा। पैम्पलेट के अंदर लिखा हुआ NSUI का हर वर्क को आप देखिएगा और उसके सामने वाले जो ABBP उसका भी वर्क देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि 22 लाख की चाय कौन पी जाता है। तो मैं बार बार इसी बात इन लोगों को कह रहा हूँ, नौजवानों को कह रहा हूँ कि आने वाला देश हम नौजवानों के हाथ में है और नौजवान दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे चुनावों से इस देश का भविष्य तय कर सकता है।